चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं, ठीक है। आप लोग को आकृति दिखाई दे रहा है। ये आपको प्रश्न जो है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में आपका सी आपका 90 डिग्री का कोण बनाते है, ठीक है। और उसके बाद में आपका जो है भुजाओं सी ए ऊपर की भुजाएं हैं, जिसमें सी ए और सी बी पर क्रमशः डी और ए है। तो सी ए में आपका क्या है, डी है, और सी बी में आपका क्या है, ई है। दो गो बिंदु है, तो हमको सिद्ध करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी का स्क्वायर, इतना आपको लाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर ए ई होने के कारण हमको चलना होगा त्रिभुज ए सी ई में। यहाँ पर ए ई का स्क्वायर है, तो इसी से हमको पता चलेगा से हम कौन सा त्रिभुज में चलेंगे, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज चलेंगे ए सी ई में, यहाँ पर चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में। तो ध्यान दिया जाए ए सी ई में कर्ण आपका कौन सा होगा, ए ई होगा। ए सी ई में यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का सामने वाला भुजा कर्ण होता है, तो आपका ए ई क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। तो ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका, ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, आप प्लस में क्या हो जाएगा, सी ई का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसी प्रकार आपको देखना है क्या ए बी का स्क्वायर भी लाना है, और क्या है डी का स्क्वायर भी लाना है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज क्या होगा, बी सी डी में, बी सी डी में हम लोग चलेंगे। तो बी सी डी में आपका कर्ण हो जाएगा डी बी, आपका कर्ण होगा डी बी का स्क्वायर, डी बी नहीं लिखकर बी डी लिख देंगे, बी डी का स्क्वायर बराबर आपको क्या हो जाएगा, मैं कर्ण का स्वतः लंब क्या है, डी सी का स्क्वायर, अब प्लस आधार हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड को दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, तो इतना मेरा आ जाएगा। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। तो चलिए मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड वाली जोड़ देते हैं, उसके बाद में बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर का जो है राइट साइड वाली जोड़ देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा डी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा इधर ध्यान देना होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो आपको बराबर हो गया, और राइट साइड में इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कितना के बदले कितना लिखा है। जैसे में मान लिया जाए, अगर बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर, इस तरह के हमको सेटिंग करके इतना हमको लाना होगा, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इससे नीचे भी दिखाई दे रहा है, इतना ही रहने दिया जाए। चलिए यहाँ पर अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ये तो लेफ्ट साइड आपका मिल ही गया है, राइट साइड को सिर्फ मिलाना है। तो यहाँ पर हम बता दे, ध्यान दीजिएगा, ए सी का स्क्वायर आप प्लस में यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड में लिख लेंगे, ए सी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर।
फिर प्लस हो जाएगा, इधर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा सीई का स्क्वायर प्लस हो जाएगा डीसी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीडी का स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर। आप लोग को ठीक मालूम है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण। तो इस दोनों को बदलू में हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर सेटिंग आपको क्या करना है, डी आपको लाना है, तो डी ई यहाँ पर देखिए डी ई आपको लाना है, तो इसको डी ई किसके बराबर आएगा, इतना प्लस इतना हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो लंब क्या है इसमें देखिए सी का स्क्वायर हो ही गया, यहाँ पर सी आते हैं और इसके बाद डी सी आते हैं, तो किसके बराबर होंगे डी ई का बराबर, ठीक है। चलिए अच्छा तरीके से इसको समझे होंगे आप लोग, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ये भी आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना, और ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, चार है, क्वेश्चन नंबर चार है। इसमें क्या कर रहा है, दिखाइए कि समान जीवाएं, क्या है समान जीवाएं, समान का मतलब जीवाएं क्या है, बराबर, ठीक है ना। और वृत्त की जीवा किसको कहा जाता है, ये सब जीवाएं हैं, ये क्या है आपका जीवा, जो ए बी आपका जीवा है और आपका क्या है सी डी आपका जीवा है, दोनों के दोनों क्या है समान है, कहाँ से प्रश्न से, ठीक है। और यहाँ पर वो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक जितना भी छू रहा है वो क्या कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे। तो ए आपका त्रिज्या होगा, ए आपका त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो दिखाइए कि समान जीवा मतलब वृत्त का जो है जीवा समान है मतलब बराबर है, तो वृत्त के केंद्र, यहाँ केंद्र ओ देख रहे हैं आप लोग, केंद्र पर समान कोण बनाती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो केंद्र पर क्या है कोण उसका समान बनेगा, जितना कोण इस त्रिभुज का बनेगा उतना ही कोण इस त्रिभुज का बनेगा, दोनों कोण समान, इसको सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मान लिया कि वृत्त के केंद्र क्या है ओ है, मान लिया गया ओ हम जब केंद्र पर रखे हैं तो वृत्त का केंद्र मेरा ओ हो गया, ठीक है। ए बी तथा सी डी दोनों समान जीवाएं हैं, ए बी तथा सी डी दोनों समान जीवाएं कहाँ से, आपका प्रश्न के अनुसार है, आपका सिद्ध करना है कोण ए ओ बी मतलब केंद्र का जो कोण जो है वो बराबर करना है। तो यहाँ पर हम लोग ए ओ बी भी लिख सकते हैं, चाहे बी ओ ए भी लिख सकते हैं, मतलब जिस कोण को हमको साबित करना रहता है उस कोण को हम लोग बीच में रखते हैं, ठीक है। तो कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी ये दो त्रिभुज है, तो सबसे पहले ये मेरा कोण समान कब होगा, जब त्रिभुज क्या होगा स्वांगसम होगा, समरूप नहीं स्वांगसम होगा, ठीक है ना। तो स्वांगसम हमको सबसे पहले ये माइंड में मेंटेन करना है, तो सबसे पहले इस त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे स्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो स्वांगसम की परिभाषा क्या होती है, सेम साइज सेम कोण, ठीक है ना, सेम एंगल और सेम आकृति होनी चाहिए। तो जब तक सेम कोण सेम आकृति नहीं होगा तब तक केंद्र का कोण दोनों आपका बराबर नहीं होगा। तो बराबर करने के लिए हम लोग त्रिभुज को स्वांगसम करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, ए बी जो है किसके बराबर है, डी सी का बराबर है, ठीक है ना, दोनों जीवाएं आपस में क्या है समान है बराबर है। अब यहाँ पर देखा जाए ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी क्या है आपका वृत्त का, ओ ए बराबर ओ सी वृत्त का क्या है, वृत्त का आपका त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका बराबर हो गया, ध्यान दीजिए इधर ये आपका जीवाए बराबर हो गया और त्रिज्या बराबर हो गया। अब हमको इसको बराबर करना और इसको, इधर से भी ओ ए बराबर हो गया और ए बी बराबर हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों और ये दो दो भुजा बराबर हो गए, अब हमको आधार को बराबर करना है, तो आधार भी वृत्त का त्रिज्या ही है, तो त्रिभुज क्या होगा स्वांगसम हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, ओ डी बराबर ओ बी,
यहाँ पर लिख देते हैं ओडी बराबर ओबी। ए बी वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। समझ में आ रहा है? फिर से देख लो, यहाँ पर दिखाइए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण, ये आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है। तो उसकी जीवाएं जो है क्या है? समान है। यहाँ पर लिखा हुआ है माना कि वृत्त के केंद्र ओ तथा ए बी और सी डी समान जीवाएं हैं, दोनों जीवाएं। तो समान जीवाएं जब कह रहा है तो जीवा क्या है? ए बी है और सी डी, ये दोनों बराबर हुआ। और केंद्र से परिधि तक जितने भी रेखा है वो सब त्रिज्या कहलाते हैं। तो ए आपको बराबर हो गया, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ये भी आपका त्रिज्या, ये भी बराबर। बताइए ये भी बराबर हो गया ये दोनों का, आई दोनों ये बराबर हो गया, आई दोनों बराबर हो गया, सब सब बराबर हो गया। तो त्रिभुज क्या होगा? तब लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी स्वांगसम लिखेंगे त्रिभुज सी ओ डी का, ठीक है। जब ये स्वांगसम हो गया तब आपको त्रिभुज कोण बराबर करना है, कोण बराबर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर आपको कोण सी ओ डी, यही आपको सिद्ध करना है। समझिए से, और मैं सबसे सबसे इजी रहता है, बस आते इसको समझना रहता है। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ध्यान दीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं समान हो, बराबर हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए बी और ए सी 13-13 है। पहले ए बी सी लिख लीजिए यहाँ पर, ये दोनों क्या है? 13-13 है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यदि शीर्ष ए से बी सी पर लंब डाल रहा है, किस पर डाल रहा है? ए से किस पर? बी सी पर लंब डाल रहा है। समझ में आ रहा है? ए से बी सी भुजा पर लंब डाला गया, तो 90 डिग्री का कोण बन गया, इसको डी मान लीजिए, ठीक ना, लंब डला गया। अब उसके बाद में क्या है? लंब जो है 5 सेंटीमीटर है। लंब क्या है? तो हमको ज्ञात क्या करना है? बीसी की लंबाई, ये तो आराम से ज्ञात हो जाएगा। ये आपका कोण हुआ, लंब आधार ज्ञात करेंगे, और जितना आधार इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो बीसी निकल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी डी सॉट त्रिभुजे में, चलिए त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है, ए डी बी में हम लोग चल रहे हैं। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर ए बी का स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा ए डी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25 12 हो गया, ठीक ना। तो ये भी 12, तो ये भी आपका कितना होगा? 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी बराबर बी डी प्लस हो जाएगा डी सी, तब 12 प्लस 12 24 सेंटीमीटर, आपका पूरे बी सी का जो है 24 सेंटीमीटर, ठीक है।